ये वो लड़की है जिसकी आंखों में पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बनने की तमन्ना थी। उसने भी जिंदगी में एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए सपने सजोए रखे थे। वो नौकरी कर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे दर्द की इंतहा तक दर्द दिया गया। उसके सपने चूर चूर हो गए। जिस्म की मंडी में उसकी आबरू को नीलाम कर दिया गया। वो भी एक दो बार नहीं बल्कि पांच पांच बार। उसे बेचा गया जिस्म की मंडी में। उसकी आबरू का सौदा किया पांच बार। नौकरी का झांसा देकर रिश्ते के ही चाचा ने बेचा। आरोपी अब परिवार को दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। दरअसल इस लड़की के दुखों की कहानी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। बचपन में ही सिर से बाप का साया उठ गया। बेवा माँ और चाचा ने उसे पाला पोसा। वो रोहतास के अमजोर थाना के सरैया की रहने वाली है। हालांकि ये मामला दो साल पुराना है, जब 27 दिसंबर 2015 को लड़की के चाचा अब्दुल कुरैसी और अख्तर कुरैसी, जो रिश्ते में मामा भांजे हैं, उन्होंने लड़की को नौकरी का झांसा दिया। अपनों पर विश्वास में उसे धोखा मिला। उन दोनों ने लड़की को दिल्ली में किसी शख्स को बेच डाला, जहां से लड़की को वो शख्स गया लेकर पहुंचा। गया में कई दिन रखने के बाद लड़की को पटना में कांता नाम की महिला को बेच दिया गया। शाम में 6 बजे हमें बुलाया है चाचा अख्तर कुरैशी ने और अब्दुल कुरैशी ने बुलाया, कहा कि हमें नौकरी दिलवा देंगी तुम्हें। तो हम विश्वास कर ली उस पर कि चलो हमें नौकरी दिलवा देगा। तो वो डेहरी ले गया। डेहरी से हमें मतलब कोई आदमी के साथ लगा दिया, आदमी से बेच दिया, आदमी ने ले गया गया, गया से पटना, पटना में कोई औरत के हाथ दे दिया। लड़की को यहाँ भी मुक्ति नहीं मिली। कांता नाम की महिला उसे दिल्ली लेकर गई, जहाँ उससे सभी तरह का काम कराया गया। जिस्म फरोसी के धंधे में उसे धकेल दिया गया। उसके साथ मारपीट की गई। कांता 20 दिन रखी, 15 दिन रखी अपने दिल्ली में, और दिल्ली से कहीं अंत भेज दी मुझे। वहाँ जंगल झाड़ियाँ था, वहाँ घर द्वार था। क्या करवा रहे थे तुम्हारे? हमसे काम पूरा करवा रही थी, खाना मांग रही थी, आगे गोबर ठोकवा रही थी, एक कुट्टी कटवाना, घास कटवाना और सानी करवाना भैंस गाय की, और खूब पीटते हमें, और हाथ पांव तोड़ दिया हमारा मार के, कान से खून गिर रहा था। लड़की की आबरू की नीलामी का सिलसिला यही नहीं थमा। दिल्ली के बाद इसे उत्तर प्रदेश के बदायूं में बेचा गया। डेहरी, गया, पटना, दिल्ली और फिर बदायूं, हर जगह उसकी इज्जत तार तार की गई। पढ़ने का शौक था हमें, नौकरी की शौक थी कि हम पढ़ लिख कर बनेंगे पुलिस अफसर बनेंगे, अपना माँ का बाप का नाम करेंगे रोशन, और हर जगह हमें बेचते गए उन लोगों ने। क्या किया? बेच दिया सर, और बेच कर हमारी जिंदगी कर दी बर्बाद, इज्जत लूट ले उन लोगों ने। दावा किया जा रहा है कि लड़की को रोहतास पुलिस ने बदायूं से बरामद कर मुक्त कराया, लेकिन अब आरोपी चाचा के परिवार वाले पीड़िता के परिवार वालों को केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। आरोपियों ने लड़की के घर में घुसकर 12 अगस्त को मारपीट भी की थी। जिन लोगों का हाथ था वो लोगों में खलबली मच गई और वो इधर उधर करने लगे और धमकी देने लगे कि केस को उठा लो और लड़की से बयान बदलवा दो, और नहीं तो तुम्हारे घर के तुमको, तुम्हारे लड़कों को, तुम्हारे भगिना को, तुम्हारे भतीजा को हम लोग जान से मार डालेंगे। और इस घटना को अंजाम उन लोगों ने 12 अगस्त 2017 को लगभग 3:30 बजे दिन में
हम लोग नहीं थे, हमारे मोहम्मद जुनेद आलम को मारकर सर फाड़ दिया, वो लोग चाहता है कि केस को उठा लो। हालांकि पुलिस का मानना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों से लड़कियों के गायब होने के पीछे किसी न किसी गिरोह का हाथ है। पुलिस इस मामले में भी कार्रवाई कर रही है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी कर रही है। सरैया गांव है, वहां से लड़की की अगवा किया गया था और उसका पुलिस तत्परता दिखाते हुए उसको बदायूं यूपी से बरामद किया गया। बरामद करने के बाद जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया पुलिस कर रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने 5 अगस्त को लड़की को 20 महीने बाद बरामद कर लिया, लेकिन अब लड़की के पूरे परिवार पर खौफ का साया आरोपियों की धमकी के रूप में मंडरा रहा है। कहीं किसी अनहोनी को अंजाम न दे दें वो आरोपी। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह परिवार को सुरक्षा मुहैया कराती है। गुनाह के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।